राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप किसी इल्यूजन में हैं तो उस इल्यूजन को आप ब्रेक कर सकें। बड़ी ईमानदारी से इस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए और फिर अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। अपने आप को भ्रम में मत रखिए। ट्विन फ्लेम का मतलब एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा की उत्पत्ति स्वयं महादेव है, स्वयं मां शक्ति है। मैं महादेव और मां शक्ति की बात कर रहा हूं। जब लॉर्ड शिवा को मां शक्ति से प्रेम हुआ था तो मां शक्ति के उस पहले इंकार्नेशन में शिवा ने उनको प्राप्त नहीं किया था और फिर मां शक्ति ने दोबारा इंकार्नेशन ही किया मां पार्वती के रूप में, लेकिन महादेव ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। किस लिए नहीं किया? क्यों? कि वो अपने आप को मां शक्ति के प्रति ऑलरेडी डिवोटेड कर चुके थे और उन्हें ये लगा कि ये जो मां पार्वती हैं ये वो मां शक्ति नहीं है। इसलिए मां पार्वती ने तपस्या की और ये जो तपस्या थी वो एक या दो दिन की नहीं थी या एक या दो साल की नहीं थी। आपको बताना चाहूंगा ये हजारों साल की तपस्या थी, इसलिए कि वो महादेव को अपनी एनर्जी को मर्ज कर सके उनके साथ, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर सके, अपनी ऊर्जा को इस तरह से क्रिएट करें, अपनी ऊर्जा को इस तरह से बढ़ाएं कि वो महादेव से यूनाइट हो सके। और जब मां पार्वती ने ऐसा किया तो महादेव को स्वयं समझ में आया कि ये वही है, ये वही है। और फिर महादेव और मां पार्वती का मिलन हो गया। जब मैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की बात करता हूं, जब मैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात करता हूं तो सबसे पहले ये जान ले, ये जो दो एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं ये महादेव और मां शक्ति का अंश है हमारे अंदर। महादेव और मां शक्ति का अंश है हमारे अंदर और हमारी जर्नी, चाहे हम ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, हम सबका एक ही उद्देश्य होता है कि इस एनर्जी को हम अपने अंदर ग्रो कराएं और फिर हम उन्हें कंबाइन फॉर्म में बैलेंस कर सके। अब जो ट्विन फ्लेम होते हैं तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर ये पूरी दुनिया ही ट्विन फ्लेम बन गई तो इस दुनिया में फिर पाप हो ही नहीं सकता, ये कलयुग हो ही नहीं सकता। तो फिर आप ऐसा सोच लें कि हम तो सतयुग में जी रहे हैं। ट्विन फ्लेम 0.01% होते हैं। आई एम रिपीटिंग, इस पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन में 0.01% ही ट्विन फ्लेम कैटेगरी में आ सकते हैं या वो अपने आप को बिलोंग करते हैं और उन्हें किसी की जस्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें किसी की जस्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है कि कोई उन्हें बताए कि ये साइन है, ये सिम्टम है तो वो जान पाए कि मैं ट्विन फ्लेम हूं। बिल्कुल नहीं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। उन्होंने उस शक्ति को, उस एनर्जी को जो डिवाइन मैस्कुलाइन है और जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है उसको रेज करते हैं वो अपने अंदर, हाई वाइब्रेशन में होते हैं वो सोल्स।
बहुत हाई वाइब्रेशन में होते हैं, और उनका लक्ष्य ये नहीं होता है, उनका लक्ष्य ये नहीं होता जो मेरा काउंटर पार्ट है उसको मैं पालूं। जी नहीं, उनका सबसे बड़ा लक्ष्य ये होता है कि पहले मैं इस एनर्जी को इस तरह से अपने अंदर रेज करूं, उस वाइब्रेशन में जाऊं, ताकि मैं अपने पर्पस से अलाइन हो सकूं। मेरा यहां आने का उद्देश्य क्या है उसको जान सकूं, उस सत्य से जुड़ सकूं। इसलिए वो घोर तपस्या करते हैं, और ये जो तपस्या होती है वो मानसिक हो सकती है, भाव के द्वारा हो सकती है, या किसी और तरीके से हो सकती है। वो बैठ के सैड सॉन्ग नहीं सुनते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि मेरा पार्टनर आ जाए आ जाए आ जाए, वो नहीं, इसकी माला नहीं जपते हैं वो। उनका जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो ये होता है कि डिवाइन से यूनियन करना, अपने आप को डिवाइन से यूनियन करना। और वो यूनियन तभी पॉसिबल होता है जब आपके अंदर वो मैस्कुलाइन एनर्जी भी रेज हो, और आपके अंदर वो फेमिनाइन एनर्जी भी रेज हो, और फिर वो दोनों अपने आप में बैलेंस करते हैं, अपने आप में मर्ज करते हैं। तो जब वो दोनों एनर्जीज अपने आप में मर्ज करती है, तो आपके अंदर एक डिवाइन यूनियन होता है स्वयं के अंदर। और इस यूनियन का इफेक्ट किस पे सबसे ज्यादा पड़ता है, वो हमारे हार्ट चक्रा पे पड़ता है, हमारे हार्ट चक्रा पे पड़ता है। और फिर हमारा जो हार्ट चक्रा है वो ओपन होता है, और जब वो ओपन होता है तो उसके अंदर वो डिवाइन मौजूद होता है। और ये जो डिवाइन है वो प्योर स्वयं महादेव की एनर्जी है, और वो प्योर मां शक्ति की एनर्जी है। और फिर उस लाइट से आप उस सत्य से जुड़ते हैं, और उस सत्य में जो भी आपके लिए सही है, आपके पर्पस के लिए, ईश्वर फिर आपको उससे जोड़ता है। ट्विन फ्लेम वो सोल होता है जो इस सोल को ट्रिगर करता है, ताकि वो अवेकनिंग की हाईएस्ट स्टेज तक पहुंचे। ट्विन फ्लेम वो सोल होता है जो इस सोल को ट्रिगर करता है कि वो अवेकनिंग की हायर स्टेट तक पहुंचे। वो एक जरिया है, वो एक माध्यम है जो प्रकृति रचती है। अगर महादेव नहीं होते तो मां पार्वती अपनी शक्ति को रेज कैसे करती। इसलिए हु वाज द ट्रिगर, उन्होंने महादेव के लिए अपनी शक्ति को रेज किया, और फिर वो इस पूरी जगत की मां बन गई। तो उनका उद्देश्य क्या था, उनका हायर पर्पस था, क्योंकि मां शक्ति को ये पता था कि मैं इस एनर्जी का मुझे किस तरह से इस्तेमाल करना है, और स्वयं के लिए नहीं बल्कि हम सब लोगों के लिए। ये उनकी तपस्या थी, मूल तपस्या थी। मैं आपसे पूछता हूं, आप कितने डिवाइन से लाइन है? जब आप हर पल डिवाइन को छोड़ के अपने काउंटर पार्ट के बारे में ही सोच रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप माया में हैं, आप माया में हैं। तो आपके अंदर मुझे ये बताइए कि वो जो एनर्जी है वो फिर बैलेंस कैसे हो सकती है? क्योंकि एनर्जी का बैलेंस होना अपने आप में ये सिद्ध करता है कि आप माया से ऊपर उठ जाते हैं, आप उस सत्य से जुड़ जाते हैं, आप अपने हायर कॉज से जुड़ जाते हैं, आप अपने हायर पर्पस से जुड़ जाते हैं। और ट्विन फ्लेम का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, उद्देश्य इसलिए होता है क्योंकि जो आपका काउंटर पार्ट है जिसके कारण आप ट्रिगर हुए और फिर अवेकनिंग प्रोसेस में गए, तो वो बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि उस शक्ति के माध्यम से आप उस तक पहुंच रहे हैं। इसलिए अपना उद्देश्य क्लियर रखें, अपनी जर्नी को अच्छी तरह से जानें, समझें, और अपने पर्पस से जुड़ें। आपका पर्पस बाहर नहीं है जिसको आपको अचीव करना है, आपका पर्पस अंदर है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा, ये इंटरनल है, आउटकम बाहर आएगा बाद में ऑटोमेटिकली, लेकिन प्रोसेस तो पूरा इंटरनल है, और आप उस प्रोसेस को बाहर ढूंढ रहे हैं, उसे बाहर कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।
क्या आप अपने आप को वो क्या हम अपने आप को वो दर्जा दे सकते हैं महादेव का और मां शक्ति का? क्योंकि अगर हम अपने आप को ट्विन फ्लेम बोलते हैं तो हमारे अंदर वो ऊर्जा होनी चाहिए, और आप स्वयं जानते हैं कि महादेव की क्या ऊर्जा है और मां शक्ति की क्या ऊर्जा है। इसलिए मैंने क्या कहा, उस शक्ति का सिर्फ अंश हमें विद्यमान होता है और उसी अंश को हमें बैलेंस करने में जन्म लग जाते हैं, जन्म लग जाते हैं। मेरी इस बात को ध्यान से गौर से सुनिए, जन्म लग जाते हैं। ट्विन फ्लेम का एक ही पर्पज होता है, टू बी इन यूनियन विद गॉड, टू अचीव एनलाइटनमेंट, ताकि उस प्रकाश से वो सबके जीवन में रोशनी भर सके। और अगर आपका गोल पर्पज ये है कि नहीं मुझे सिर्फ मेरा पार्टनर मिल जाए और उसके आगे आपको कुछ सूझता नहीं है, आप कुछ सोच नहीं पाते हैं, तो इस भ्रम को तोड़ दीजिए कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं। अगर आप अपने ट्विन के लिए रो रहे हैं तो फिर आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं, क्योंकि आंसू तो ईश्वर के प्रति निकलने चाहिए हमारे। अगर हमारा यूनियन अंदर से हो रहा है तो वो जो आंसू है, वो जो पीड़ा है, वो उस बाहर वाले इंसान के लिए नहीं होगी, बल्कि स्वयं उस परमात्मा के लिए होगी। आपके अंदर आप उसको महसूस कर पाएंगे, उससे जुड़ पाएंगे, और हम सब में वो शक्ति विद्यमान है, वो अंश हम में विद्यमान है। लेकिन जैसे मैंने कहा, 0.1% ही उस एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं विद द हायर इंटेंसिटी। और मेरी इस बात का यकीन रखें कि वो जो 0.1% लोग होते हैं, उनकी लाइफ इतनी डिफिकल्ट होती है जो आपकी सोच से परे है। आपने जो भी भोगा है, अगर आप उसको दुख समझते हैं, तो उस दुख की 100 गुना इंटेंसिटी से वो लोग गुजरते हैं और फिर वो टूटते नहीं है। क्यों? वो परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि डिवाइन से यूनियन सिंपल नहीं होता है। आपके कई लेयर्स उतरते हैं, आपकी शेडिंग होती है, बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। लेकिन उस पेन से जब आप गुजरते हैं तो अंत में एक खुशी आपका इंतजार कर रही है, और वो एक ऐसी खुशी होती है कि कोई आपसे फिर कभी छीन ही नहीं सकता, जिससे आपको कोई दूर कर ही नहीं सकता। बिकम ए लाइट, इट शुड बी योर पर्पज, एंड ऑटोमेटिकली वो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाहर। अरे हम कलयुग में जी रहे हैं, हम में से 99% लोग तो अपने कर्मास को ही क्लियर करने के लिए आए हैं, तो हमारी जो भेंट होगी वो कार्मिक से ही होगी, कार्मिक से ही होगी, हिसाब किताब कार्मिक से ही होगा। सबसे ज्यादा 99% ऑफ दिस वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डीलिंग विद कार्मिक्स, एंड एज आई सेड ओनली 0.1% ऑफ दिस वर्ल्ड पॉपुलेशन आर रियल ट्विन फ्लेम। ये कड़वा सच है, लेकिन मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता, इल्यूजन में नहीं रखना चाहता, उस सत्य से जुड़ने सर। और अगर जैसे मैंने इस वीडियो में बताया, उस सत्य से आपका सत्य मैच करता है तो ही आप एक ट्विन फ्लेम है, अन्यथा आप नहीं है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।